नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर अधीनस्थ बोर्ड की एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट यहां पे जारी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस नोट है। किस भर्ती के संदर्भ में और उस प्रेस नोट में क्या कुछ जानकारी दी गई है वो जानेंगे अपन इस संपूर्ण वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप देखने से सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, आप मेरे साथ हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर एक लिंक अभी एक्टिव किया गया है। PTI भर्ती से रिलेटेड जानकारी है, जो PTI के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण प्रेस नोट, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है। मैं डाउनलोड मैंने पहले से किया हुआ था। तो दोस्तों, जो PTI भर्ती थी 2018 की, उसमें दो दस्तावेज सत्यापन है, 10 जून से लेकर 13 जून के बीच हैं, उनका यहाँ पर स्थान परिवर्तन किया गया है। 7/6 आज ही का महत्वपूर्ण प्रेस नोट है। और दोस्तों, जो आपका पहले जो स्थान था राजकीय गुरु नानक भवन संस्थान आदर्श नगर जयपुर में किया जाना था, राजकीय गुरु नानक भवन संस्थान जयपुर, उसको बदल कर के अब किया गया है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरु नानक भवन संस्थान के पास आदर्श नगर जयपुर। तो ये दोस्तों, आप बिल्कुल इस चीज़ को याद रखें, यहाँ पर आपका जो है जो गुरु नानक भवन संस्थान था उससे बदल करके इसे किया गया है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरु नानक भवन संस्थान के पास, वहीं पे है लेकिन स्थान को थोड़ा चेंज किया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेंगे, शेष कार्यक्रम वही रहेगा, 10 से लेके 13/6 के बीच ही होने हैं। तो ये आपका स्थान बदला गया है, इस चीज़ को जितने भी संबंधित अभ्यर्थी हैं PTI भर्ती के, वो इस चीज़ को याद रखें। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा इस प्रेस नोट का, उसे भी वहाँ से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो बोर्ड की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर PTI भर्ती 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्थान चेंज के संबंध में। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।